ये दिसंबर का महीना है और इस दिसंबर में 16 तारीख इस पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। 16 दिसंबर को तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की अफवाज ने भी इस मुल्क को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, कुर्बानियां दीं, और उन तमाम लोगों ने भी कि जो बांग्लादेश में उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान के क़याम के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके और मशरक़ी पाकिस्तान में चले गए थे और उर्दू बोलने वाले लोग थे जिन्हें उर्फ़ आम में हम आप बिहारी कहकर याद करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के साथ पाकिस्तान को बचाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दीं और पूरी कोशिश की कि किसी तरह उनके बुज़ुर्गों के बनाए हुए वतन को वो महफूज रख सकें, उसको हम मुत्तहिद रख सकें। मैं हमेशा इस बहस में पढ़ने से गुरेज करता रहा हूँ और आज भी इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। तारीख को चाहे कितना ही मस्क किया जाए, चाहे तारीख को कितना ही अवाम से पोशीदा रखा जाए, लेकिन हकाइक किसी भी सूरत में अवाम तक पहुंच ही जाते हैं। आज लोगों को हकाइक का इल्म नहीं है, कल होगा, और जो लोग इस मुल्क को दोलख्त करने की वजह बने या जिनकी गलतियों की वजह से ये पाकिस्तान दोलख्त हुआ, वो लोग अवाम को गुमराह ज़्यादा अरसे नहीं कर सकते और असल मुजरिमों को अपने अंजाम को पहुंचना ही होता है। इस पाकिस्तान को 16 तारीख को दोलख्त हुआ, ये पाकिस्तान, ये एक बड़ा सानहा था, और इसी के साथ दूसरा सानहा ये हुआ कि इसी पाकिस्तान को बचाने के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया और बदकिस्मती से पाकिस्तान को बचा ना सके, वो मशरक़ी पाकिस्तान बनते के साथ ही तमाम कुर्बानियों के बावजूद, इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत के बावजूद, वो पाकिस्तानी शहरियत से महरूम हो गए। आज 52 साल गुज़र चुके हैं, ये शहर खुसूसन पाकिस्तान का वो शहर जो पाकिस्तान भर के लोगों को रोज़गार फराहम करता है, यहाँ रहने की सहूलतें फराहम करता है, यहाँ अपनी आगोश में उसने करोड़ों लोगों को पनाह दी, 3.5 करोड़ के इस शहर में को तकरीबन 30% से ज़्यादा लोग बाहर से रोज़गार के हुसूल के लिए यहाँ आए और यहाँ आके आबाद हो गए। न सिर्फ पाकिस्तान के शहरों से बल्कि अफ़गानिस्तान से आने वाले कई लाख अफ़गानियों को इस शहर में लाकर बसाया गया, लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि जिन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दीं और पाकिस्तान बचाने की कोशिश में अपने जवान अपने मर्द कुर्बान कर दिए, आज उन्हीं कुर्बानी देने वाले लोगों की ख़वातीन, मासूम बच्चे और बूढ़े लोग आज भी बांग्लादेश के रेड क्रॉस के कैंपों के अंदर बहुत ही कसमों पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आज आपके तवस्सुत से ये मुतालबा करना चाहता हूँ हुकूमत से, और ये मुतालबा महाजर कौमी मूवमेंट का रहा है, उसको मैं आज सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि उन महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान को जो आज भी बांग्लादेश में बांग्लादेश की शहरियत इख्तियार करने की बजाय पाकिस्तान के झंडे अपने कैंपों पर लगाकर इस उम्मीद पर ज़िंदा हैं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की अफवाज उनकी हुब्बुल वतनी को कभी तस्लीम करके पाकिस्तान अपने लोगों में आने का उनको मौका देगी। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मैं
पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर ऐसे इकदाम किए जाएँ कि जो महसूली नमशी पाकिस्तान हैं उन्हें पासपोर्ट जारी किया जाए, पाकिस्तान की मीशत को बुनियाद बनाकर माजी में हुकूमतों ने उन महसूली मशरक़ी पाकिस्तान को ये मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने की उम्मीद पर या पाकिस्तान आने की उम्मीद पर वक्त ज़ाय करने की बजाय बांग्लादेश की शहरियत इख्तियार कर लें। मैं हुकूमत को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अफ़गानी तो इस पाकिस्तान की मीशत पर बोझ बने थे, बाहर से आने वाले लोग इस पाकिस्तान की मीशत पर बोझ बने थे, उन्होंने इस पाकिस्तान की मीशत को नुकसान पहुँचाया था। महसूलीन मशरक़ी पाकिस्तान जिनका हक है पाकिस्तान में आना, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की मीशत पर बोझ नहीं बनेंगे बल्कि वो पाकिस्तानी मीशत को सहारा देंगे, इसलिए कि वो हाथ फैलाने वाले लोग नहीं हैं, मेहनत करने वाले हुनरमंद लोग हैं। मैं महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह की हैसियत से और महाजर कौम के एक फ़र्द की हैसियत से हुकूमत को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि क्योंकि पासपोर्ट जारी करना महाजर कौमी मूवमेंट या किसी एक फ़र्द के बस में नहीं है, हुकूमत के इख्तियार में है। हुकूमत उन महसूलीन मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तानी तस्लीम करे और उनके लिए पासपोर्ट जारी करे, उनके उनके तमाम यहाँ लाने के और यहाँ बसाने के तमाम अखराजात महाजर कौमी मूवमेंट इंशाअल्लाह ताला बर्दाश्त करेगी। महाजर कौम जो पाकिस्तान में किसी नागहानी मुसीबत में मिसाली किरदार अदा करती रही है, दूसरे लोगों की मदद करती रही है, वो अपने लोगों को किसी और के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी, किसी सतह पर भी किसी तौर पर भी पाकिस्तान पर उन्हें बोझ नहीं बनने देगी, बल्कि उनके तमाम यहाँ लाने और यहाँ बसाने के तमाम अखराजात महाजर कौम खुद बर्दाश्त करेगी। ये 16 दिसंबर महसूलीन मशरक़ी पाकिस्तान और पाकिस्तान के 2 लख होने के अलावा और भी इसकी तारीख है, ये सियाह दिन इस वजह से भी है कि 16 दिसंबर को APS के बच्चों का कत्ल हुआ था, बच्चों को शहीद किया गया था, उनके असाज़ा को शहीद किया गया था। ये दहशतगर्दी का वाक़या ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, मासूम बच्चों को स्कूल में दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, असाज़ा को उनके शहीद किया गया। मैं उस वाक़े के ऊपर आज फिर इस दुख का इजहार करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी और ये दहशतगर्दी का तसलसल के अभी गुज़श्ता दिनों चंद दिन पहले डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर दहशतगर्दी हुई और उस दहशतगर्दी में कुछ 27 के करीब जवान शहीद हुए, ये इंसानी जानें कीमती जानें हैं। मैं उनके लवाहिकीन के साथ भी अपनी हमदर्दी का और यकजहती का इजहार करता हूँ और इस दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूँ और साथ में मैं ये मुतालबा करूँगा, मैं ये समझता हूँ मेरी पार्टी का मौक़िफ रहा है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ने, बार बार के मुज़ाकरात ने, हम ये देखते रहे कि हुकूमत ने और हमारे कानून नाफिस करने वाले इदारों ने मुतअद्दिद बार दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए हैं। शायद उनके जहन में ये हो कि मुज़ाकरात से उनको राह रास्त पर लाया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ दहशतगर्दों की ना कोई कौम होती है, ना कोई मुल्क होता है, ना कोई मज़हब होता है। दहशतगर्दों की एक सोच है और ज़ाहिर है उस सोच को हमें मुज़ाकरात के ज़रिए हम ख़त्म नहीं कर सकते। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात से दहशतगर्दों को संभलने का, पनपने का और फलने फूलने का उनकी सोच को मौका मिला है और ये जो चंद दिन पहले डेरा इस्माइल ख़ान में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये भी उसी दहशतगर्दी का तसलसल है। मैं पाकिस्तान के अफवाज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो इकदाम उठाए हैं पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाने के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, जो उन्होंने जिस अज़्म का इजहार किया है और जितना बड़ा उन्होंने फ़ैसला लिया गैर मुल्की तारकीन वतन को उनके मुल्कों में वापस भेजने का और इस पाकिस्तान से उनको बेदखल करने का, उस फैसले के ऊपर मैंने पहले भी कहा था
कि इस फैसले पर पूरी पाकिस्तान की आवाम, महाजर कौम आर्मी चीफ के इस फैसले के साथ आर्मी चीफ की पुश्त पर खड़ी है, इसलिए कि हम सरहदों को महफूज देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को दहशतगर्दों से, दहशतगर्दी से आज़ाद देखना चाहते हैं, जहां हमारे लोग, हमारे आने वाली नस्लें महफूज तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। मोहतरम साफ़ी हजरात, 16 दिसंबर के हवाले से मुझे हुकूमत से ये दरख्वास्त करनी थी और मैंने की कि मैसूरी मशरक़ी पाकिस्तान को पासपोर्ट जारी किए जाएं, महाजर कौमी मूवमेंट उन मैसूरी मशरक़ी पाकिस्तान को वापस लाने और उनको बसाने के तमाम अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करेगी, पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान पर उनको हम बोझ नहीं बनने देंगे। उसके बाद दूसरा अहम नुक्ता ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह पर इलेक्शन डिस्कस हो रहा है, अब इलेक्शन में कहीं ताखीर की डिस्कस हो रही है, कहीं वक्त पर होने के दावे किए जा रहे हैं। महाजर कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ तो ये है कि इलेक्शन वक्त पर ही होने चाहिए और इलेक्शन वक्त पर होने के साथ साथ उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, गैर जानिबदार होने चाहिए, मुनसिफाना होने चाहिए, उसमें गैर जानिबदारी बरतनी चाहिए, जानिबदाराना रवैया इंतज़ामिया का नहीं होना चाहिए। आज आपके तवस्सुल से मुझे ये बात अवाम तक और हुकूमत तक पहुँचानी है, जो मैं कई मरतबा गोश गुजार कर चुका हूँ और मैंने इलेक्शन कमीशन को भी ख़त लिखा है कि महाजर कौमी मूवमेंट भी इलेक्शन कमीशन के में जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है उसके तहत आइन के तमाम तकाजे पूरे करके एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हमें नहीं मालूम कि हमें सियासी सरगर्मियों से क्यों रोका जा रहा है, हमें जलसों की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही। मैंने अब तक 6 दरख्वास्तें दी, हमने जहांगीर रोड पर एप्लीकेशन दी और एन वक्त पर कोई 12वें 13वें दिन जो हमारा प्रोग्राम था, एक रात पहले हमें मना कर दिया गया कि आप अपना ये सारा काम रैप अप कीजिए, इसलिए कि आपको जलसे की परमिशन नहीं दी जा सकती, मना कर दिया गया। हमने दूसरी जगह परमिशन जहांगीर रोड के ऊपर ली, मांगी, जमशेद रोड पर जहांगीर के बाद नहीं दी गई, नेशनल पार्क में मांगी नहीं दी गई, शहर कायदीन पे मांगी नहीं दी गई। हमने इन 4 दरख्वास्तों के बाद मुख्तलिफ तारीखों में, कि अगर कोई तारीखों का तसादुम है, हमने फिर 2 एप्लीकेशन दी, एक 10 तारीख की नेशनल पार्क के लिए थी और 17 तारीख की जो अभी कमिंग संडे है उसकी दरख्वास्त थी हमारी शहर कायदीन की। हम 3 माह में 6 दरख्वास्तें दे चुके हैं और 3 माह में हम एक जलसे की परमिशन हासिल नहीं कर सके, जबकि यहाँ इस शहर में एक मखसूस जमात जलसे जुलूस आज़ादी के साथ जहाँ चाहे वो करती फिर रही है और उसे कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारे हाथ बांध के, हमें सियासी सरगर्मियों से रोक कर मुनसिफाना आज़ादाना इलेक्शन के दावे, ये उन सब की नफ़ी है। ये जो केयरटेकर सेटअप है, सिंध के सरबराह जस्टिस बाकर साहब, और मुझे तो ये भी याद आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा था कि ISI चीफ और ISPR के चीफ, इन दोनों ने मिलके एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा मैंने पहली मरतबा देखा। और उसमें ISI चीफ ने कहा था कि अब आर्म्ड फोर्सेस का, पाकिस्तान की अफवाज का सियासत से कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें जाहिर है कि इसका मतलब 2 भी निकाले जा सकते हैं, कि इस बात का इकरार या इस बात का एतराफ़ कि हाँ माजी में आर्मी का रोल रहा है, और इस बात का ऐलान कि अब आर्मी का रोल नहीं है। लेकिन उस ऐलान के बाद भी आज हमें ये नज़र आ रहा है कि इस शहर में और इस शहर से हट के भी, जो हमने नवाज शरीफ साहब के लिए जो माहौल देखा और उस वफाक में जो नवाज शरीफ साहब को जिस तरह सहूलतें फराहम की गई,
जिस तरह उनका एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक करवाया गया, जिस तरह वो तशरीफ़ लाए, जिस तरह उनके बारे में ये माहौल बनाया गया कि वो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी तरह इस शहर के अंदर बाकायदा ये ऐलानात किए गए कि हम फलां को सीटें दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए, और अगर ये तासुर गलत नहीं है तो फिर मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि शायद कुछ अफराद, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फाइज हों, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की अफवाज के जो दो बहुत ज़िम्मेदार लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ ऐलान किया गया था, चंद अफराद उन ऐलानात की नफ़ी कर रहे हैं, जिससे मेरी पाकिस्तान की अफवाज का इमेज शायद मुतासिर हो, लोगों की निगाह में उसकी गैर जानिबदारी और उसका सियासत में रोल ना होने का तासुर, उसकी नफ़ी हो रही है। मैं आर्मी चीफ से भी मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन पाकिस्तान में मैं एहतसाब का सबसे मौसर ज़रिया समझता हूँ, इसलिए कि अवाम जिनके टैक्सों पर हुकूमत का निज़ाम चलता है, जिनके टैक्सों पर पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम चलता है, जिनके टैक्सों की वजह से हुकूमती मशीनरी चलती है, उनका ये हक बनता है कि जो लोग करप्ट हैं, जो लोग इस मुल्क के मफाद में नहीं हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान की अवाम के मफादात का ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने पाकिस्तान के मफादात के और पाकिस्तान की अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ काम किया, वो अपने वोटों से उन्हें मुस्तरद करें। पाकिस्तान की अफवाज की ज़िम्मेदारी ये है कि वो किसी तरह भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को यकीनी बनाए, वो धांधली को रोके, वो इस बात को रोके कि वडेरा अपनी औताक में बैठकर नताइज नहीं बना सकता, वो इस बात को यकीनी बनाए कि कोई शहर में गुंडा गुंडागर्दी करके इलेक्शन के नताइज अपनी मर्ज़ी से घर में बैठकर हासिल नहीं कर सकता, वो बैलेट बॉक्स में धांधली से वोट नहीं डाल सकता। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एक बार अगर होगा, दोहराया जाएगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, अवाम का जो एतमाद बुरी तरह मजरूह हुआ इस वजह से कि अवाम के जहनों में ये परसेप्शन मजबूत होता चला जा रहा है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, नतायज कहीं और बनते हैं, जिसकी वजह से अवाम का इंतखाबात पे से एतमाद उठ रहा है। अगर ये एतमाद हमने बहाल कर दिया, अगर हमने फ्री इलेक्शन करवा दिए, फेयर इलेक्शन करवा दिए, शफाफ इलेक्शन करवा दिए, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अवाम का वोट किसी वडेरे, किसी करप्ट, किसी जागीरदार, किसी गासिब को दोबारा इंतखाब के ज़रिए किसी तरह इख्तदार में नहीं आने देगा। सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखें और इंतखाबी नतायज भी बनाएं, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। देखिए, आज 16 दिसंबर सकूत ढाका का दिन है। मैं ये चाहता हूँ कि उस सकूत ढाका के असल हकाइक को हम बैठ कर समझने की कोशिश करें, उसको हम हकाइक को तस्लीम करें, और हकाइक को तस्लीम करके हम इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए उन गलतियों का अजाला करें, उन गलतियों से सीख कर उन गलतियों को दोहराने की बजाय हम ऐसे इकदाम करें जिससे ये पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो। हम फैसले करके ये तासुर दे रहे होते हैं कि ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हकीर हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वोट की कोई कदर कीमत नहीं है, जो फैसला बंद कमरों में हो गया वही फैसला है, ये फैसले नहीं होने चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम भी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान के आइन के तमाम तकाज़ों को पूरा करके महाजर कौमी मूवमेंट रजिस्टर्ड हुई है। महाजर लफ्ज़ गुनाह नहीं है, महाजर लफ्ज़ आइन के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर आइन के ख़िलाफ़ होता तो पाकिस्तान की उस पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत हमें रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। हमें इलेक्शन लड़ने के उतने ही मौके मिलने चाहिए जितने बाकी पार्टियों को मिले। हमारे साथ जो जानबदाराना रवैया है, जो हमें सियासी जलसे करने की पाबंदी हम पर लगाई गई है, जिस तरह दबाव है आपके मीडिया के ऊपर, और जिस तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया के ऊपर जिस तरह दबाव है और उनको पाबंद किया जाता है कि फलां की कवरेज होगी और फलां की नहीं होगी, ये पाबंदियां, ये बंदिशें ख़त्म होनी चाहिए। तहरीर तकरीर का मौका, आज़ादी सबको मिलनी चाहिए। मेरा मौक़िफ़ अवाम को पसंद आएगा तो मेरे मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे, मेरा मौक़िफ़ गलत होगा अवाम मुस्तरद कर देंगे। अवाम के ऊपर फ़ैसला छोड़ना चाहिए, मेरे प्रोग्राम्स को कवर ना करने के लिए दबाव डाला जाता है।
अभी फेडरल मीडिया का प्रोग्राम हुआ, जाहिर है कि मेरे लिए एक बहुत क्या कहते हैं उसको, एक बहुत अच्छी मुझे तब्दीली महसूस हुई कि फेडरल मीडिया के लोग बड़ी मतलब दिलचस्पी के साथ उस प्रोग्राम में शरीक हुए। वेल डिसिप्लिन प्रोग्राम था, बहुत अच्छा क्राउड था, लेकिन किसी जगह पर उसकी कवरेज नहीं हुई। सिर्फ इसलिए कि जब मैं लोगों से फ़ोन करके पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमें ऊपर से सख्ती के साथ मना किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब बंदिशें ख़त्म होनी चाहिए, ये जमहूरी रिवायत के ख़िलाफ़ है। और मैं शिकवा मालिकान से इसलिए नहीं करता कि मैं मालिकान से मिलकर ये सुन चुका हूँ कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा बिज़नेस है, हम ज़ाहिर है कि इस बिज़नेस को दाव पे नहीं लगा सकते, और वो धमकियाँ उनके पास मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि जो छोटे चैनल्स हैं वो तो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं उनसे कोई शिकवा नहीं करता, लेकिन हुकूमत से, मौजूदा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो जस्टिस बागर साहब हैं जिनका बड़ा अच्छा इमेज है, जो बड़ा मुनसिफ रहे हैं, उनका बेदाग माजी रहा है अदलिया के हवाले से, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सूबे के सरबराह हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त नहीं है, और किसी पार्टी को ज़बरदस्ती सपोर्ट करके और उसको इलेक्शन के नतीजे उसके बनाने के ऐलानात किए जा रहे हैं, इस सारे इकदामात का नोटिस लें और हमें भी सियासी सरगर्मियां करने की आज़ादी दिलवाइए। और आर्मी चीफ़ से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो मुदाखलत करें। आर्मी चीफ़ ने जो भी अब तक इकदाम किए हैं, लोग उन इकदाम को सराहते हैं। उन्होंने इस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जो इकदाम किए, लोगों ने उसको सराहा है। उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए जो इकदाम किए, लोगों ने उसको सराहा है। उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो गैर मुल्की तारकीन वतन को निकालने का बड़ा फ़ैसला किया, लोगों ने उसको बहुत सराहा है। तो पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी है। पाकिस्तान के अंदर ये जो जिस तरह ISI चीफ ने ISPR के चीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो ऐलान किया था, मैं चाहता हूँ कि उस ऐलान का पास रखा जाए। और पाकिस्तान के अंदर सियासी आज़ादी होनी चाहिए और फेयर इलेक्शन के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ कि कल कोई उंगली पाक अफवाज की तरफ न उठे। पाकिस्तान की अफवाज का जो इस वक्त बेहतर इमेज अवाम में बना है, पाकिस्तान की अवाम उनके फ़ैसलों की जिस तरह सपोर्ट कर रही है, जिस तरह उसकी उन्होंने कदर की निगाह से देखा है और उसकी तारीफ़ की है, मैं ये चाहता हूँ कि इस जो एप्रिसिएशन है उसमें इजाफा होना चाहिए। और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान के जो फौजी सरबराह हैं, जो निचली सतह पर सियासत में मुदाखलत है, उसका नोटिस लें और इन सब चीज़ों को रोका जाए, बंद किया जाए। मैं आप लोगों के ज़रिए एक बात आज और कहना चाहता हूँ। ये मेरा शहर 3.5 करोड़ लोगों का शहर है और इस शहर में लोकल गवर्नमेंट का एक निज़ाम है। इस लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में बहुत सारे टैक्सीज हैं जो वो वसूल करते रहे हैं, उसी से बजट बनता रहा है, और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़ाहिर है उसको पैसे देती रही है लोकल गवर्नमेंट को, उसका हक बनता है, इसलिए कि इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सूबे का 50% जो लोग हैं और यहाँ पर जो मशीनरी है वो इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए पैसे देती है, उसका हक बनता है। इसके बावजूद अवाम पर टैक्स का जो जाबिराना तरीका मुसलत करने की कोशिश की गई है, मैं उसकी हिमायत नहीं करता। लोकल गवर्नमेंट के इजलास में एक रेजोल्यूशन पास की गई कि KMC अपना टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिल के साथ वसूल करेगी। के इलेक्ट्रिक तो खुद एक गुंडा इदारा है जो आवाम के ऊपर एक्सिस बिलिंग भेजने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। लोग अपने मासूम बच्चों को गर्मी में बिलकता हुआ नहीं देख सकते, जिसकी वजह से उसकी ब्लैकमेलिंग और उसकी गुंडागर्दी के बावजूद वो बिजली का बिल देने पर मजबूर हैं। वो एक्सिस बिलिंग के ऊपर
सब्र करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके इलेक्ट्रिक को इस कराची शहर के लोगों पर एक अजाब की तरह मुसल्लत कर दिया है। यहाँ पर कोई उसका कंपटीटर नहीं है, आप किसी कंपटीटर को आने नहीं देते, आप कोई इजाज़त नहीं देते। हुकूमत का तो फ़र्ज़ ये बनता था कि के इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक कंपटीटर इस कराची में मौजूद होता, जिस तरह आपकी जो टेलीफोन की टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट टेलीफोन के कंपनियां हैं कि भाई आपको टेलीनोर नहीं चाहिए, आप जैज़ खरीद लीजिए, जैज़ नहीं चाहिए, आप किसी और की कंपनी से आप सिम ले लीजिए, जहाँ से आपको बेहतर पैकेज मिलेगा वहाँ से लेंगे। हमें इसी तरह कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक का कंपटीटर चाहिए था। कंपटीटर देने की बजाय के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी को तस्लीम करते हुए के इलेक्ट्रिक को एक गुंडे के तौर पर कि के एम सी अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आवाम से टैक्स लेने के पोजीशन में नहीं है, जब आप इलाके से कूड़ा नहीं उठाएंगे, जब आप इलाके के अंदर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे, गटर उबल रहे होंगे, तो लोग गुस्से में आपको टैक्स क्यों देंगे? आपने एक गुंडे के जिम्मे ये ड्यूटी लगा दी कि वो टैक्स वसूल करके हमें दे, और वो गुंडा अब के इलेक्ट्रिक का जो बिल है उसके साथ के एम सी का टैक्स वसूल करेगा। ये गुंडागर्दी ऐसे ही है जैसे इस शहर में एक तवील अरसे से पीटीवी का टैक्स हम दे रहे हैं, यानी मस्जिद में भी अगर के इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ है तो मस्जिद के अंदर टीवी नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर भी वो पीटीवी का टैक्स देगा। और हमारे कराची शहर में 98% लोग केबल यूज़ करते हैं, पीटीवी का चैनल नहीं देखते, 98% लोग केबल देखते हैं, और वो केबल वाले को पैसे अलग दे रहे होते हैं, उसके बाद पीटीवी का टैक्स हम के इलेक्ट्रिक के बिल के साथ दे रहे हैं। इसी तरह के एम सी ने गुंडे को ये जिम्मेदारी दी है कि वो हमसे ये गुंडा टैक्स वसूल करके के एम सी को दे। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस फैसले को वापस किया जाए और के इलेक्ट्रिक के गुंडे को इस्तेमाल करने की बजाय के एम सी हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आवाम को मुतमिन करके उससे टैक्स वसूल करे। परफॉर्मेंस नहीं होगी तो लोग टैक्स नहीं देंगे। मैं इस शहर में मुस्तकिल आग के जो वाक़यात हुए, आतिशज़दगी के जो वाक़यात हुए, मैं उस पर भी आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 3.5 करोड़ के शहर में जो फायर फाइटिंग सिस्टम हमारे पास है, एक तो वो बोसीदा है और उसके अलावा वो नाकाफ़ी है। हम ये देखते रहे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दावे करती रही है इस शहर को बनाने के, और वफाक भी हमसे मोहब्बत का इजहार करता रहा है कि तुम्हारे साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमेशा ज़्यादती की है। तो मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहता हूँ कि अगर तुम्हें इस शहर से मोहब्बत है, मैं वफाक से कहता हूँ कि तुम्हें इस शहर के लोगों से मोहब्बत है और पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान यहाँ पर रोज़गार के हुसूल के लिए आता है, तो अगर यहाँ पर आबादी बढ़ी है तो वो यहाँ के मुकामी लोगों का बर्थ रेट इतना नहीं है कि 3.5 करोड़ पर पहुँच जाए। ज़ाहिर है रोज़गार के हुसूल के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं। अगर पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जो शहर की आबादी बढ़ी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, यहाँ के सारे इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने के लिए वफाक खुसूसी ग्रांट फ्राहम करे। हमारे यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम ना होने की बराबर है, कई हादसात हो चुके हैं जिसमें इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। वफाक क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आ रहे हैं, इसलिए सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है इस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की, यहाँ के इदारों को मुस्तहकम और मुनज्जम करने की। वफाक को खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेनी चाहिए, वफाक को खुसूसी तौर पर ग्रांट देनी चाहिए ताकि यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम को बेहतर किया जाए। यहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो हमारे यहाँ जो एहतियाती तदाबीर होती हैं, जो ख़तरे के वक्त सेफली एग्ज़िट दी जाती है, उसको यकीनी बनाए ताकि इंसानी जानें ज़ाय ना हो। मैं साथ में ये भी मुतालबा करता हूँ कि जो हादसात हुए हैं अभी तक, आरजे टावर वालों को भी कोई मुआवजा नहीं मिला, जो अर्शी प्लाजा के ऊपर हादसा हुआ बहुत बड़ा, उसमें भी किसी मुतासरीन को अभी तक, किसी एक मुतासर को एक रुपया नहीं मिला। जो लोग उसमें जाँबहक हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट उनके लवाहिकीन को माली इमदाद करे, जो लोग कारोबार से महरूम हुए हैं हुकूमत उन्हें कारोबार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करे, आरजे टावर के लोगों को भी मुतासरीन को और अर्शी प्लाजा के मुतासरीन को भी। वहाँ पर अर्शी में फ्लैट्स थे, वहाँ पर लोग अपनी रहाइश गंवा चुके हैं, लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हैं। हुकूमत फौरी तौर पर उन मुतासरीन को मुतबादिल रहाइश फराहम करे और इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए
वफाकी गवर्नमेंट फौरी तौर पर ग्रांट मंजूर करे और खसूसी तवज्जो दे इस कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। मैं आप तमाम सहाफ़ी हजरात का जो यहाँ तशरीफ़ लाए शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात जहाँ तक मुमकिन हो, जाहिर है कि मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि हर एक का मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचाएँ, पहुँचाने की कोशिश कीजिए, जितना दबाव कबूल कर सकते हैं कबूल कीजिए, जितना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त कीजिए। आप सबका शुक्रिया।